पटवारी हूँ। मेरे को इस गांव में आने का कई बार मौका मिला, लेकिन वो खेतों का रहा है मेरा दौरा। आज पहली बार स्कूल के माध्यम से जो मैं ये पोडियम शेयर कर रहा हूँ, दैट इज़ प्रेजवर्दी टू मी। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, जो हमारे सीनियर्स ने जो आपको बातें बताई हैं दोस्तों, मैं उन्हीं को शॉर्ट में निपटा के आपको ये बहूँगा कि मैं भारत सरकार की तरफ से जो ये मुहिम चलाई है, मैं उसका समर्थन करता हूँ, उसका धन्यवाद करता हूँ। हमारे मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट किए, ये जो गुर निकालने की कोशिश की है। आज हम जो अपने कंट्री में एजुकेशन सिस्टम के बदलाव देख रहे हैं, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। कई सालों पहले हमने देखा कि हमारी जो पॉलिसी थी एजुकेशन की, वो हमारे को पढ़ा तो रही थी, लेकिन हमारे को रोज़गार से संबंधित वो ज्ञान नहीं मिल पा रहा था। हमारे इक्विवेलेंट चाइना 1949 के अंदर आज़ाद हुआ था, लेकिन आज के दिन चाइना को अगर हम देखते हैं, तो मैं ये बात कड़वी लगेगी, हम अपने आप को लैक मानते हैं काफ़ी। वो US के कंपैरेटिवली चल रहे हैं आज के दिन। क्या कारण है? क्योंकि 1980 के अंदर वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ने यह कहा कि यहाँ यूथ इतना है, बहुत ज़्यादा, उसको हमें यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। हम यहाँ बच्चों को रोज़गार से संबंधित शिक्षा देंगे, ताकि अपना खुद का काम करेंगे। और आज मैं मानता हूँ चाइना एक अलग ही चीज़ है, जापान के अंदर भी इसी तरह की पॉलिसी है। तो हमारे देश के जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने इस स्कीम को लेके आने की कोशिश करी और दिखाया, ये तो एक सिंगल स्कीम है। इसी तरह से अगर काम चलेगा, तो मैं ये मानता हूँ कि हमारा देश, जो जिसे सोने की चिड़िया बोलते थे, वो दोबारा बनेगा। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी का धन्यवाद करूँगा। और ये जो टूल किट जो आपका मिल रहा है दोस्तों, इसको एक आप अपने धर्म की तरह लेना, अच्छे से काम सीखना, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिले, आपको लगे चार भाइयों को आप रोज़गार दोगे। आज आप छोटे हो, लेकिन कल आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपने परिवार को तो चलाओगे ही, किसी चार भाइयों को रोज़गार दोगे, जो कि एक सराहनीय काम होगा। धन्यवाद।